सी टेन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराधियों को मुक्त करने के लिए तमाम अहम कांटों में जुटी है, वहीं प्रदेश में गुंडे भी अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका जीतता जागता उदाहरण आज फिरोजाबाद में देखने को मिला, जब मेले में आधा दर्जन बाइक सवारों ने पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, मामला है जसराना थाना के कटेना हरसा की, जहां बाइक सवारों ने पहले हंगामा कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्थानीय लोगों ने एक को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। देखते हैं ब्रजेश राठौर की ये रिपोर्ट। मेरा नाम राम बहादुर सिंह जी, क्या घटना हुई है यहाँ? वे गोली छोड़ा चले आए जी, तो हमने देखी है। कौन लोग थे ये? ये बटुआ के नाला के। कोई विवाद था पहले से? झगड़ा था? कोई विवाद नहीं था यहाँ, कोई विवाद होती ही ना, यहाँ तो धार्मिक स्थान है। ये तो दूर गए जय पूछो, कोई फिरोजाबाद यहाँ कोई विवाद नहीं था। जे सारे शराब पी के विवाद कर रहे हैं अब, यहाँ तो सब बहन बेटी आई है। सुरेश जी, क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ पर घटना हुई है, यहाँ पर जो है मेला चल रहा था बलुआ के नगरा के, 8-10 आदमी आए, उसमें से 5 आदमियों ने फायर किया, 5 मोटरसाइकिल लेके खड़े रहे, पांचों पे हथियार थे, कट्टे थे, गोली जो है यहाँ पीपर पे आके लगी और उसमें जो है बाल बाल बच गए, सब लोग जमीन पे गिर गए और वो जो है कितने फायर हुए? 5 नहीं, 5 तो एक ही ने किए, 15-20 फायर किए। आखिर कारण क्या रहा है? कारण ये है कि मेला को उड़दंग लड़कियों को या बच्चों को छेड़ना या लूटने का विचार था, बच्चे आते हैं लड़कियां आती हैं, उनका लूटने का प्लान था, इस वजह से वो लोग आए। ये नगला बलुआ के रहने वाले हैं। क्या लोग दे दी इतना है, क्या मामला हुआ है? यहाँ तो मौके पे पता किया गया, किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग आए थे और इनको फायर करने की आवाज़ सुनाई दी थी और भाग गए, किसी को टारगेट करके नहीं किए, बस ऐसे ही चाहे शरारती तत्व रहे हों, और इसमें इंक्वायरी की जा रही है, जो भी दोषी होगा इस तरह के कार्य में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।